7 अक्टूबर 2023 को इसराइल गाजा का जो संघर्ष है उसको एक साल पूरे हो गए। जाहिर सी बात है कि एक साल तक चले संघर्ष में भारी नुकसान हुआ होगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए आतंकी हमले में 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जवाबी कार्रवाई में इसराइल कारपेट बॉम्बिंग करने से भी नहीं चूका और गाजा से लेकर लेबनान, यमन और ईरान तक की जमीन पर लगातार हमले हुए। हालांकि एक साल में इसराइल को भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है। इस स्टोरी में ऑफिशियल आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे कि किसको कितना नुकसान हुआ इस पिछले एक साल में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टोरी की शुरुआत करते हैं इसराइल के ऑफिशियल डेटा से। 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर इसराइली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान में अपने ऑपरेशन से जुड़ा नया डेटा जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इसराइल पर कितने रॉकेट दागे गए और इसराइली एयरफोर्स ने कितने ठिकानों पर हमला किया। ये तमाम आंकड़े जो हैं वो नुकसान की जो तस्वीर है उसको साफ करते हैं। IDF के डेटा के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक गाजा पट्टी में 17,000 से ज़्यादा आतंकियों को मारा गया है। इनमें हमास और बाकी के आतंकी संगठन के जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा इसराइल में अक्टूबर 7 को हुए हमले में 1,000 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को आतंकियों ने इसराइल के दक्षिणी इलाके में हमला करके 1200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। जान गंवाने वालों में ज़्यादातर आम नागरिक शामिल थे। वहीं 251 लोगों को किडनैप कर लिया गया था। ये पूरी जानकारी जो ऑफिशियल डेटा है उस पर बेस्ड है। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले के जवाब में इसराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। शुरुआती 6 महीनों तक इसराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर रहा, लेकिन उसके बाद इसराइल ने लेबनान और यमन पर सीधे हमले किए। सीरिया में भी हमले करता रहा इसराइल और इसराइल ने ईरान में भी कुछ हत्याओं को अंजाम दिया, ऐसा आरोप है। अगर इसराइल के ऑपरेशन में ली गई जानों की बात करें तो हमास द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा में 41,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। वहीं IDF के दावे के मुताबिक हमास ब्रिगेड के 8 कमांडरों और 30 से अधिक बटालियन कमांडरों को मार गिराया गया। इसके अलावा 165 से ज़्यादा हमास कंपनी कमांडरों को भी मार गिराया गया। इसराइल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक इसराइली सेना ने गाजा पट्टी में 40,300 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और लगभग 4,700 सुरंगें खोज निकाली। इसराइल के आधिकारिक बयान के मुताबिक हमास के हमले के अगले दिन लेबनान में बसे संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी सीमा पर हमले करने शुरू किए। लंबे समय तक हमास के खिलाफ ऑपरेशन में लगा रहा इसराइल हिजबुल्ला के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाया, लेकिन 2024 के सितंबर में जब इसराइल ने हिजबुल्ला को निशाना बनाना शुरू किया तो फिर थमने का नाम नहीं लिया। इसराइल ने पहले हिजबुल्ला के लड़ाकों के पेजर्स में धमाके करवाए, फिर हिजबुल्ला के मुखिया हसन नसरल्ला को मार गिराया। इसके बाद इसराइल ने हिजबुल्ला की जो पूरी टॉप लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया और दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसी कार्रवाई से जुड़े IDF के दावे के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्ला के 800 से ज़्यादा सदस्य मारे गए हैं। इसमें 90 से अधिक हिजबुल्ला कमांडर शामिल थे। लेबनान में इसराइली सेना ने 11,000 से ज़्यादा हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इस ऑपरेशन में इसराइल को भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई करने उतरे इसराइली सैनिकों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। और अगर पिछले एक साल में इसराइल को हुए नुकसान की बात करें तो युद्ध की शुरुआत से अब तक इसराइल पर 26,000 से ज़्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इसमें से 13,200 गाजा, 12,400 लेबनान, 60 सीरिया, 180 यमन और 400 ईरान से दागे गए। इसराइल पर सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल हमला ईरान ने किया है। ईरान ने सीधे तौर पर 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर को दो बार इसराइल पर हमला किया। पहला हमला इसराइल के उस हमले का बदला लेने के लिए किया गया जो इसराइल ने सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी उस पर किया था। इस हमले के जवाब में 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। इसराइल पर ईरान के दूसरे और सबसे बड़े हमले के पीछे कई कारण हैं। दरअसल इसराइल पर आरोप है कि उसने हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की ईरान की ज़मीन पर हत्या करवाई। इस हत्या के अलावा इसराइल के हवाई हमले में हिजबुल्ला के मुखिया नसरल्लाह का मारा जाना भी ईरानी हमले का एक बड़ा कारण माना जा रहा है।
इन हत्याओं और ऐसे कई कारणों की वजह से ईरान ने इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद इसराइल पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला था। यह पहला मौका था जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम करता नहीं दिखा और बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में जाकर गिरी। एक मिसाइल तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर से महज 1 किलोमीटर दूर गिरी और कई मिसाइलें इसराइल के जो एक इम्पॉर्टेंट एयर बेस है उसमें भी जाकर गिरी। ईरान के अलावा इराक से भी इसराइल पर लगातार हमले हुए हैं। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि इराक से उसके ऊपर कैसे और कितने हमले किए गए। इसके अलावा इसराइल ने एक और आंकड़ा नहीं शेयर किया। दरअसल हमास और हिजबुल्ला ने कई ऐसे रॉकेट दागे जो उनके अपने ही देश में या अपने इलाके में गिर गए। इसराइल ने इससे जुड़ा आंकड़ा नहीं दिया है। वहीं IDF ने गाजा पट्टी में लगभग 7,000 फिलिस्तीनियों से पूछताछ की जानकारी दी है। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही गई और यह भी कहा गया कि बाद में इनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया। इसके अलावा इसराइल ने खुद को हुए नुकसान का भी आधिकारिक आंकड़ा दिया है। इस युद्ध में अब तक 728 इजरायली सैनिक, रिजर्विस्ट और स्थानीय सुरक्षा अधिकारी मारे गए हैं और 4,576 घायल हुए हैं। इनमें 346 सैनिक गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान मारे गए और 2,299 घायल हुए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डेटा है, IDF ने बताया कि उसके 56 सैनिक फ्रेंडली फायर में मारे गए, मतलब आपस में हुई गोलीबारी में 56 सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा एक और आंकड़े में इसराइल ने यह बताया है कि वेस्ट बैंक में IDF ने 5,250 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसराइल के दावे के मुताबिक इनमें से 2,000 से ज़्यादा हमास से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इसराइल के एक और दावे के मुताबिक 690 आतंकी, दंगाई और सुरक्षा बल से भिड़ने वाले हथियारबंद लोग मारे गए। IDF के मुताबिक वेस्ट बैंक में 150 से ज़्यादा ब्रिगेड लेवल के छापेमारी को अंजाम दिया गया और 30 फिलिस्तीनी आतंकियों के घरों को गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया। इस तरह के आंकड़ों से साफ है कि नुकसान तो चौतरफा हुआ है। बिना किसी बहस के बाकियों की तुलना में इसराइल को काफ़ी कम नुकसान हुआ है। हालांकि वेस्ट एशिया में फैला तनाव फिलहाल थमता नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में इस चौतरफा नुकसान के आंकड़ों के बढ़ने की आशंका है, डर है। कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट एशिया में फैला तनाव रशिया यूक्रेन वॉर की तरह लंबा चलेगा, जो कि तीसरे साल में पहुंचने वाला है रशिया यूक्रेन वॉर, या किन्हीं कारणों से इसके जल्द समाप्त होने के आसार हैं। बाकी ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।